हेलो क्लास, लिटरेरी फीस्ट विद दीपक गुप्ता। आपकी अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस की, और जैसे कि हम इसके पहले भी कुछ प्रीपोजिशंस के पेयर ले चुके हैं, जैसे कि विद एंड बाय, बिसाइड एंड बिसाइड्स। आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे प्रीपोजिशंस एक फोल्डर है, उस पर क्लिक करके उन सबको देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की, जो हर एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप एकेडमिक से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की कर रहे हो, या फिर चाहे आप अंग्रेजी को एज अ कम्युनिकेशन स्किल की भांति आप डेवलप करना चाह रहे हो खुद के लिए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ प्रीपोजिशंस की। बेसिकली ये दो ही होती हैं, लेकिन कहीं कहीं तीन मिल जाती हैं, बिटवीन एंड अमंग की। अमंगस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ओल्ड है, यहाँ तक कि मॉडर्न में इसका यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, ये जो भी हमारी तीनों प्रीपोजिशंस हैं, ये क्या रिफर करती हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं। सो दे इंडिकेट अ डिविजन, ये डिविजन शो करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हैं, और ये पोजीशन या प्लेस को भी शो करती हैं। अब आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोई प्लेस, या जब कोई, हाँ यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन, प्लेस, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली हमारा, जब भी हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन या जब भी हमारा कोई पोजिशन हमें शो करना होता है बिटवीन टू, अब वो दो लोग हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती हैं, दो ग्रुप हो सकते हैं, या फिर वो दो टीम हो सकती हैं। जब जब उन लोगों का, उन वस्तुओं का, उन ग्रुप्स का नंबर दो होगा, दो के लिए हम यूज करेंगे बिटवीन, फॉर टू। दो लोगों के बीच के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बिटवीन यूज करेंगे, और जैसे ही हमारा ये नंबर प्लस कर जाएगा, मींस मोर देन टू, वैसे ही हम इसके प्लेस पे अमंग या फिर अमंगस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोई पोजीशन या प्लेस दो के बीच में हमें मेंशन करना हो, तो हम बिटवीन यूज करते हैं, और जब हम वही प्लेस, पोजीशन या डिस्ट्रीब्यूशन दो से ज्यादा लोगों के बीच में मेंशन करते हैं, तो वहां पे हम अमंग यूज करते हैं। अब मैं आता हूं इस पॉइंट पे कि फिर अमंगस्ट का क्या काम है। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में अमंगस्ट का कोई रोल नहीं है, या अगर है भी तो वो बिल्कुल अमंग की तरह ही है। मींस अमंग एंड अमंगस्ट, दे आर क्वाइट आइडेंटिकल। लेकिन कभी कभी जब हम एक पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि जहां पे एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हों, जब हम उनकी बात करते हैं, तो वहां पे हम अमंग के प्लेस पे अमंगस्ट यूज कर देते हैं। बट बी अश्योर्ड, अगर आप अमंगस्ट यूज नहीं करते हैं, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। मॉडर्न इंग्लिश में अमंगस्ट का यूज कम से कम होता है। ठीक है, तो आप बड़े ही आसानी से अमंग का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप अमंग का ही यूज करें। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन एक्सरसाइज। मैं चाहूंगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर दें, ताकि जैसे ही हम इसका डिस्कशन शुरू करें, तो आप अपनी प्रोग्रेस को चेक भी कर सकें। अब देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, द इन्विजिलेटर डिस्ट्रीब्यूटेड द ओएमआर शीट्स ब्लैंक द स्टूडेंट्स। बहुत स्वाभाविक है कि अगर कोई परीक्षा हो रही है, तो वहां पे स्टूडेंट्स दो से ऊपर ही होंगे, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा अमंग। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट, ब्लैंक यू एंड मी, यू एंड मी दो लोगों की बात कर रहा है, तो हम यहां पे यूज करेंगे बिटवीन। इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, मिस्टर शर्मा डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक हिज सन्स एंड डॉटर्स। यहां पे अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ लोग यहां पे अमंग यूज करते हैं और कुछ लोग यहां पे बिटवीन यूज करते हैं।
जो अमन यूज करते हैं उनका ये मानना है कि यहां पर सन्स की बात हो रही है और डॉटर्स की बात हो रही है, यानी कि नंबर दो के ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये ग्रुप या टीम की भी बात करता है, तो इसे हम अगर एज अ ग्रुप लेते हैं, एक ग्रुप सन्स का, दूसरा ग्रुप डॉटर्स का, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफैक्ट इसका आंसर बिटवीन ही, बिटवीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अब इसको, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल ऑफ आईपीएल विल बी प्लेड ब्लैंक मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। अब सेम सिचुएशन है, लेकिन यहां पर आप अमन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे दो टीम की बात हो रही है, और जब जब हम दो की बात करते हैं हम बिटवीन यूज करते हैं। यही लॉजिक हमारा यहां पर भी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। द यंग लॉयर डिलीवर्ड एन इम्फैटिक, इम्फैटिक मीन्स प्रभावशाली, बहुत अच्छी, एन इम्फैटिक स्पीच ब्लैंक द जजेस। अब जो हमने आपसे कह रहा था कि अमंगस्ट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी, अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, तो अगर वहां पर केवल जजेस हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम अमंगस्ट का यूज कर सकते हैं। बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर आप अमंग भी यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग इनरीच की होगी। अब मेरा आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को इस वीडियो को शेयर करके उनको इसकी जानकारी दें, ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए और वो आपके आभारी हों। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैं फिर से कहूँगा कि कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए, लर्निंग में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझसे मेरे यंग फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ाई की जाए, ऐसे पढ़ा जाए, वैसे पढ़ा जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी विषय पे कमांड करने के लिए आप उसे ऐसे पढ़िए कि आप उसी विषय को किसी और को पढ़ा सकें। जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं इस विषय को इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ये विषय किसी और को पढ़ाना है, उस दिन आप उस विषय पे कमांड कर लेंगे। इसको आप आजमा के देखिएगा। आई होप इट वर्क्स। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।